फाइनली मैंने वैक्सीन ले लिया और अभी यहाँ पर बैठा हूँ। नर्स लोगों ने कहा कि 30 मिनट बैठने के लिए। आप वैक्सीन ले लिए तो आपको कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया है और आप पॉजिटिव नहीं होंगे, ऐसा नहीं। तो मुझे कुछ हुआ नहीं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया और आप लोग को भी मज़ा आएगा। होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास और ये कोरोना से जीत होगी एक दिन इंशाल्लाह। हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज मैं आया हूँ वैक्सीन लेने के लिए, तो चलते हैं वैक्सीन लेने के लिए और फिर वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वैक्सीन लेते हुए। और किस किस ने वैक्सीन ले लिया, रजिस्ट्रेशन किया, वो कमेंट करो और हमें बताओ। छोड़ दो डरना, कोरोना क्या करेगा, कोरोना क्या करेगा। फैमिली, तो फाइनली मैंने वैक्सीन ले लिया और अभी यहाँ पर बैठा हूँ। नर्स लोगों ने कहा कि 30 मिनट बैठने के लिए और बहुत सारे लोग डर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, खौफ है उनके अंदर में, लोगों ने उन्हें डरा दिया है कि वैक्सीन लेने से ही आपको ये तकलीफ होगा, वो होगा, तो ऐसे लोग को क्या कहना? सबसे पहली बात कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन ही है जो हम लोग, जब वैक्सीन जितने से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा उसके बाद ये जो ग्राफ है, जो अभी कोरोना एकदम ऊपर ही ग्राफ जा रहा है, वो नीचे आएगा। और ऐसा देखिए, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारी अफवाहें आती हैं। अब कोई भी वैक्सीन आता है, जैसे पोलियो का आया था या किसी का भी आया था, तो अफवाहें आती रहती हैं। अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने सिस्टम पर यकीन रहना चाहिए। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद कोई भी वैक्सीन अप्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन बना दिया है या बना देगा, प्रोसेस रहता है, उसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। उस प्रोसेस को के थ्रू जब वो पूरा पास होता है, क्लिनिकल होता है, उसके बाद ऑन फील्ड होता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों में लेके उसमें देखा जाता है। मास्क पहन के रहिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डोज लगने के बाद आपको शक्तिमान बन जाना है, शक्तिमान एकदम नहीं बनना है। पूरा जो भी ये प्रिकॉशन आप पहले से ले रहे हैं, मास्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, दो गज दूरी हो गया, मास्क हो गया, वो सब पहनना है, शक्तिमान नहीं बनना है, फॉलो करना है। और एक चीज़ दिमाग में रखना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिए तो आपको कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया है और आप पॉजिटिव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए सारे जो अभी आप प्रिकॉशन ले रहे हैं वो आगे भी लेते रहिए, वैक्सीन ले लीजिए। जब सेकेंड डोज होगा उसके बाद जो आपका इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी। और जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो बाई चांस अगर आप फिर इस इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोविड के वायरस से, तो आपका बॉडी जो है उससे लड़ेगा और आपको हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप घर में ही आप स्वस्थ हो जाइएगा, ठीक है? तो हिम्मत रखना है, कॉटन को डस्टबिन में फेंका जाएगा। तो 30 मिनट हो गया और हम बाहर निकल चुके हैं और घर जा रहे हैं। अभी तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया और आप लोग को भी मज़ा आएगा। तो बहुत दर्द होगा, हम लिए हुए हैं पहले, मेरे तो अभी तक दर्द नहीं हो रहा है भैया, तो के बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आके जल्दी नहीं लिए हो तो वैक्सीन लो और मास्क लगा के रखो और गाइडलाइन को फॉलो करते रहो और हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास और ये कोरोना से जीत होगी एक दिन इंशाल्लाह। ए फैमिली, तो मैं घर पे पहुंच गया, मेरे मम्मी पापा वैक्सीन ले चुके हैं, मेरे भाईजान ने भी वैक्सीन ले लिया और फाइनली अब मैं ले लिया। तो अब वैक्सीन लेने की आपकी बारी है, तो अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है तो जल्दी से वैक्सीन लो और इस वीडियो को शेयर करो। और भाई को जो डर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इस तरफ आपको भाई का वीडियो दिख रहा होगा, जो भाई ने वैक्सीन लिया था तो एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। तो नहीं देखे हो तो जाओ यार, क्लिक करो, वीडियो देखो और बस ऐसे ही प्यार करते रहो। लव यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।